अपने ब्रेकअप के बाद एक लड़की होम टाउन में आकर लाइफगार्ड का जॉब करती है। वहाँ पर एक स्कूल के लड़के से उसका अफेयर हो गया था। अब क्या ये अफेयर उस लड़की के लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा या एक न्यू डायरेक्शन देगा, ये हम आज के हमारी मूवी द लाइफगार्ड 2013 की एक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर ली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख सकते हैं। उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए घर जा रहा था। उसका बॉयफ्रेंड इंडियन है तो इंडिया जा रहा था। ली हमारी एक जर्नलिस्ट है और ली का बॉयफ्रेंड उसका बॉस भी था। एक जगह पर छोटे से टाइगर की डेथ हो गई थी, वहीं पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई। किसी आदमी ने एक छोटे से टाइगर को एज अ पेट घर में बंद करके रखा था। उस बेबी ने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की पर वो निकल नहीं पाया। फाइनली उसकी वहीं पर डेथ हो गई। ये स्टोरी सुनने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है। ये सिनारियो उसकी लाइफ से पैरेलल है। उसे आजकल अपनी लाइफ में स्टक लग रहा है। वो निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पा रही। जब उसका बॉयफ्रेंड वापस आया तो एक दिन उसकी बात उसने सुनी। उसे पता चला कि वो ऑलरेडी इंडिया में एंगेज्ड है। यही रीज़न था कि वो अपने कलीग से हमेशा उसके रिलेशनशिप के बारे में झूठ कहता था। ली के बारे में किसी को भी पता नहीं था। ये सब सुनकर ली को बहुत बुरा लगा। वो निकलना ही चाहती थी तो सब कुछ छोड़कर अपने घर आ जाती है। घर में उसकी मदर ने सबको स्टोरेज का सामान रखा था। मदर ने कुछ न्यू क्लासेस स्टार्ट की है। ली इसका मजाक उड़ाती है। मदर को बात अच्छी नहीं लगती। रात में डिनर करते वक्त ली ने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि कुछ दिनों के लिए मैं यही रहने वाली हूँ। पेरेंट्स कहते कि तुम 30 साल की हो, तुम ऐसे कैसे घर पर रह सकती हो। ली ने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ टाइम चाहिए। उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से कुछ हुआ नहीं है। अब तक उसे लाइफ में एक सही डायरेक्शन मिली नहीं। वो अपनी लाइफ से ज़रा सैड है तो इसलिए थोड़ा टाइम निकालना चाहती है। उसके फादर इस बात के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे। ली के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ली अपने स्कूल के फ्रेंड टॉड से मिलने के लिए आई। टॉड उसे देखकर बहुत ही खुश था। टॉड आर्ट गैलरी में काम करता है तो उसने कितना भी ब्रेक लिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसने ली से पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ आई हुई हो। ली कहती है कि ज़रा टाइम के लिए मैं यही रहूँगी। टॉड ने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। ली ने उसे सब कुछ सिचुएशन बता दिए। ली कहती कि अब तुम अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दो, हमें मज़े करने हैं। हाई स्कूल में इनके ग्रुप में और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मेल। ली जाकर उससे मिलती है। अब वो असिस्टेंट प्रिंसिपल बन गई थी तो उसे इस तरीके से देखना ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था। वो बिलीव नहीं कर पाती कि मेल अब इतनी सुधर गई है क्योंकि हाई स्कूल में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वियर्ड चीज़ें किया करती थी। ली ने उसे पूछा कि आजकल चल क्या रहा है। मेल कहती है मैं और मेरे हस्बैंड प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं। 6 मंथ्स हो गए पर फिर भी अब तक कुछ भी न्यूज़ नहीं आई। इसी वजह से आजकल वो ज़रा स्ट्रेस रहती है। ली ने उसे सिगरेट ऑफर की, वो पहले ले नहीं रही थी पर बाद में उसने ले ली। वो भी थोड़े से फिर से मजे करना चाहती थी। स्कूल में उसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, सब कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है पर आज उसे बहुत ही फ्री लगा। शाम में सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लिए आए। ली से उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। ली कहती मैं फिर से लाइफ गार्ड की जॉब करूंगी। मेल ने कहा कि वो जॉब तुम हाई स्कूल में करती थी, अब तुम्हें नहीं करना चाहिए। ली वैसे भी ब्रेक पर है तो उससे कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस डिनर के वक्त मेल का हस्बैंड भी था। मेल का इस तरीके से उसके फ्रेंड से मिलना है उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि जैसे हमें पता है कि ली और टॉड इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसी भी टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन ली ने लाइफ गार्ड का जॉब ले लिया। वहाँ पर एक हाई स्कूल के लड़के से मिली जिसका नाम था लिटिल जेसन। जेसन यहाँ पूल के पास ही रहता था तो हमेशा वो यहीं पर आता रहता है। ली जब सब बच्चों पर नजर रख रही थी तो कुछ बच्चे भागते भागते गए। उसने कहा कि तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते तो सब बच्चों ने कागज़ को गिला कर उसे बहुत मारा, उसे बहुत सारी गालियाँ भी दी। ली इन बच्चों को बैन कर देती है और इसके बाद खुद रोने लग गई थी। थोड़ी देर में जब जेसन वापस आया तो उसे पूछता है कि क्या हुआ। ली ने कहा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो गैंगस्टर की तरह बिहेव करता है, वो कहाँ पर रहता है, मैंने उसे स्विमिंग पूल से बैन कर दिया है। जो भी हुआ था ये सारी चीज़ें उसने जेसन को बता दी। नेक्स्ट दिन में मेल और उसके हस्बैंड को देखते हैं। मेल आज रात ली और टॉड के साथ फिर से डिनर करने के लिए जाने वाली थी तो हस्बैंड कहता है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करना। मेल ने कहा कि इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पर फिर भी हस्बैंड की लो मान जाती है। आज एक शॉप के बाद ली और टॉड को जेसन और उसके फ्रेंड्स मिले। जेसन की फ्रेंड मैट ने कहा क्या आप हमें बियर दिलवाने के लिए हेल्प कर सकते हो। टॉड ने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, हेल्प करने के बदले में टॉड को ज्वाइन चाहिए था, ये बच्चे इसके लिए मान जाते हैं। जब वे बाय करने के लिए रात में सब पहुंचे तो उनके साथ मेल भी थी। मेल ने इन बच्चों को देखा और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कहा कि सारे बच्चे मेरे स्कूल में जाते हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकती।
टॉड कहता है कि ज्यादा वरी मत करो। तभी जेसन और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि अब हम स्कूल में नहीं आने वाले हैं। वो ड्रॉप लेकर एक न्यू सिटी में जाने वाले थे। टॉड ने कहा कि अब ये तुम्हारे स्टूडेंट नहीं है, तुम ज़्यादा वरी मत करो। पर फिर भी मेल इसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी, वो गाड़ी में ही रुकी। मेल के साथ इन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड रुका हुआ था। मेल उसे समझाती है कि मेरा भी हाई स्कूल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता था, पर बाद में उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया और अपनी लाइफ को अब उसने सुधार लिया है। इस कन्वर्सेशन से इस बच्चे को अच्छी डायरेक्शन मिली और वो स्कूल से ड्रॉप नहीं करने वाला। ली, टॉड और जेसन के फ्रेंड्स ये सब आगे गए, फिर स्मोक करते हैं। ली ने जेसन को समझाया कि तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए, अपने हाई स्कूल एजुकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए, अगर तुमने नहीं किया तो लाइफ हार्ड हो सकती है। जेसन कहता है कि टाउन बहुत ही घटिया है, हर कोई उन्हें हेट करता है। ली ने कहा कि ये जो एक्सपीरियंस है ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है, तुम स्कूल में जा सकते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है। स्मोक करने के बाद ली और टॉड जब फिर से वापस आए तो मेल रोने लग गई। वो कहती है आज रात मुझे तुम लोगों के साथ मज़े करने थे। वो उन्हें अपनी सारी टेंशन बताती है, किस तरीके से वो प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही है। इन्हें मेल के लिए बुरा लगा और घर आकर उसे रिलैक्स करते हैं। ड्रिंक्स वगैरह कर इन्होंने हैंग आउट किया और मेल को भी रात बहुत ही अच्छी लगी। अगले दिन ली जब अपने काम पर आई तो जेसन का फ्रेंड मैट ही स्विमिंग पूल के पास ही सोया हुआ था। ली ने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैट ने कहा कि मेरी मदर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेल को आज छुट्टी थी और घर पर बोर हो रहा था, तो ली और टॉड के साथ वो हैंग आउट करती है। इन्होंने लॉन्ग ड्राइव ली और बहुत मज़े किए। ये जब वापस आए तो जेसन और उसके फ्रेंड्स को स्केटबोर्ड करने के लिए पुलिस ने अरेस्ट किया था। ली कहती कि आप ये सब कर क्या रहे हो, इस तरीके से आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। वो एक रिपोर्टर थी तो इस वजह से पुलिस भी डर जाते हैं और वहाँ से चले गए। इसके बाद ये सब फिर से हैंग आउट करते हैं, इसमें आज मेल का हस्बैंड भी था। ये सब जो भी स्मोक कर रहे थे ये मेल के हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ली और जेसन बात करते हुए ली ने जेसन से कहा तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है। जेसन को कुछ भी पता नहीं था तो ली उसे लेक्चर देने लग गई। जेसन उसे कहता है तुमने सब कुछ प्लान करके रखा था पर फिर भी तुम बहुत ही सैड हो। ली इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती। घर पर आने के बाद मेल और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़ा आ जाता है। उसे लगता है मेल इस सिचुएशन को सीरियसली ले नहीं रही, उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए। अगले दिन जब ली और जेसन ने पूल के पास हैंग आउट कर रहे थे तो ली ने उस लिटल टाइगर को क्या हुआ था इसके बारे में जेसन को बताया। जेसन कहता है तुमने जो आर्टिकल लिखा वो लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम शायद कोई ऐसा नहीं करेगा। उसके पास आकर उसे हक कर लेता है। थोड़ी देर में जिस छोटे बच्चे ने ली को सताया हुआ था उसके पास आकर उसे सॉरी कहता है। उसने बहुत ही रिक्वेस्ट की तो ली ने फिर से उसे स्विमिंग पूल में आने के लिए अलाउ कर दिया। वो ली से कहता है कि प्लीज़ जेसन को बता दो कि मैंने आपसे माफ़ी मांगी है, वो मुझे तंग ना करे। इसका मतलब है जेसन ने उसे धमका कर यहाँ भेजा हुआ था। ली को यह सब बात बहुत ही स्वीट लगी। रात में बारिश होने लगी तो जेसन भी ली की कार में बैठ गया था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे। ली को रियलाइज हुआ और वो वहाँ से दूर चली जाती है। फिर रात में अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल पर आए। ली और जेसन एक दूसरे को ही देख रहे थे। ली वॉशरूम आए तो जेसन उसके पास आ जाता है। जेसन ने पूछा कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फिर उसे किस कर लेता है और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो गए। आज रात ली घर पर बहुत ही लेट आई थी तो उसकी मदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कहा कि तुम इस घर को होटल की तरह ट्रीट नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। मदर का कुछ काम था जो उसने फादर को दिया हुआ था पर फादर इसके बारे में भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें ली के साथ टाइम स्पेंड करना है। मदर इस बात से और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए पर ली और फादर खुश थे क्योंकि आज उन्हें एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने के लिए मिला। स्विमिंग पूल पर आने के बाद ली जेसन के बारे में ही सोच रही थी। इसी मोमेंट पर एक छोटा सा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया और उसका ध्यान नहीं था, बाद में उसे वो जल्दी से बचा लेती है। घर आते वक्त ली ने फिर से जेसन को देखा। ये दोनों एक लेक के पास आए। जेसन कहता है कि वर्मोंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पर मैं फिश वगैरह कैच करता था। ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू हुई थी। एक दिन ली ने जेसन से पूछा कि तुम कब जाने वाले हो। जेसन कहता है कि एक दो वीक में मैं निकल जाऊंगा। उसने कुछ पैसे सेव करके रखे, उसके पास $400 थे। ली ने कहा कि इतने इनफ नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट $1000 चाहिए, तुम थोड़े दिन यहीं पर रुक जाओ, कुछ अगर और पैसे आ जाएंगे उसके बाद चले जाना। ली नहीं चाहती थी कि जेसन इतनी जल्दी यहाँ से चला जाए। एक रात पार्टी पर मेल ने ली से कहा तुम ऐसा कुछ भी मत करना जो तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। ली कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जेसन के फ्रेंड मैट को जल्द से जल्द इस टाउन से निकलना था।
टॉर ने कहा कि मैं भी पहले इस टाउन से निकलना चाहता था, पर यहाँ पर वो स्टक है। उसकी जॉब है, उसके पेरेंट्स यहाँ पर है, यहाँ से जा नहीं सकता। वो मैट को सहारा दे रहा था, पर उसके बाद उसे हाथ लगाने लग गया। मैट ने कहा कि मैं गे नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है। गुस्से में जेसन के पास आया और कहा कि हमें कल के कल निकल जाना चाहिए। जेसन कहता है कि मुझे और भी कुछ पैसे सेव करने हैं, ज़रा एक दो वीक्स लग सकते हैं। मैट बेचारा इस सब बातों से बहुत ही सैड हो गया। ली के घर पर उसके पेरेंट्स मिलकर एक रूम बनवा रहे थे, यही दिखाने के लिए जेसन को ली लेकर आए। ली के पेरेंट्स अपने हाथों से खुद बना रहे थे, इसका मजाक ली ने उड़ाया। ये सब बातें ली की मदर सुन लेती है और इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। उसने कहा कि तुम इस तरीके से वापस कैसे आ सकती हो, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम जब अपने जॉब करने के लिए गई तब मैंने खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की, अब तुम जब वापस आ गई हो तो सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम कितने भी दिन यहाँ पर रहो उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर मदर को पड़ता है। ली एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती है, ये मदर को अच्छा नहीं लगता। उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ली फिर जेसन के घर पर आके और यहीं पर अब वो रहने लग गई थी। एक दिन उसे अवार्ड फंक्शन से एक मैसेज आता है, उसने जो आर्टिकल लिखा था उसने उन्हें अवार्ड दिया है। इसका प्राइस $1,000 है। इसमें ये भी लिखा था कि आपने जर्नलिज्म छोड़ दिया, ये सुनकर हमें बहुत ही बुरा लगा क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो। इसके बाद जेसन ली से मिलने के लिए आया और जब ये किस कर रहे थे तो टॉड इन्हें देख लेता है। मेल आजकल अपने लाइफ के साथ ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो ये बात उसके हस्बैंड को सही नहीं लगी। उसने मेल से पूछा, क्या तुम सचमुच में प्रेग्नेंट होना चाहती हो? मेल ने कहा कि हाँ होना चाहती हूँ। हस्बैंड कहता है, तो अभी के अभी मेरे साथ इंटीमेट हो। मेल ये नहीं चाहती थी तो इस पर इनका झगड़ा हो गया। सब कुछ बातें बताने के लिए टॉड के पास आए। बातें करते करते टॉड के मुंह से निकल जाता है कि ली जेसन के साथ रह रही है। इस बात से मेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। इनके ग्रुप में वो भी इन्वॉल्व है, अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उसकी जॉब भी जा सकती है। वो गुस्से में ली के पास आए, जेसन भी वहीं पर था। उसने जेसन से कहा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ली पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती। उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? मैं स्कूल में तुम्हारी जैसी थी, पर बाद में मैंने मेरी लाइफ को एक अच्छी तरीके से डायरेक्शन दिया, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं ये सब चीज़ें जेसन के फादर को बताने वाली थी, पर जेसन ने कहा कि मैं स्कूल को बता दूंगा कि तुम हमसे ड्रग्स बाय कर रही थी। मेल इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। एक दिन जब ली और जेसन जंगल में जाकर हैंग आउट कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मैट की डेड बॉडी देखी। उसने सुसाइड कर ली थी। उसे इस टाउन से जेसन के साथ निकलना था, पर जेसन ने उसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। ये दोनों ही देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जेसन रोने लग गया। जेसन ने कहा, उसके बड़े ब्रदर ने भी सुसाइड की थी। अब और एक पुलिस ऑफिसर जाकर फिर से उसे वही न्यूज़ देगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ली कहती है, मैं बताकर आती हूँ। ली भी बाहर आकर बहुत रोई क्योंकि उसने जेसन को रुकने के लिए कहा था। वो मैट की मदर को जाकर बताती है, एक दूसरे का सहारा लेकर बहुत रोती है। ली अब जेसन के घर से बाहर निकल गई। वो एक रात स्विमिंग पूल के पास सोए और दूसरी रात अपनी मदर ने जो घर बनवाया था उसमें जाकर सो जाती है। उसके घर से जाने के बाद उसकी कैट मिसिंग थी, ये भी उसे मिल गई। जेसन ने जब स्कूल को छोड़ दिया तो मेल उसके फादर से बात करती है, उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करती है, जेसन को इस तरीके से स्कूल से मत निकालिए। जेसन के फादर ने कहा कि जेसन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से दूर जाने का डिसीजन उसके लिए अच्छा होगा। मेल ने ली और जेसन के बीच में जो भी हुआ इस सब के लिए वो सॉरी कहती है। फादर कहते हैं, लाइफ में इस तरीके से अजीब अलग अलग चीज़ें होती रहती है, हमें इस पर इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जेसन के फादर के जाने के बाद मेल को मनाने के लिए उसका हस्बैंड आ गया, उसे सॉरी कहता है। जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं उसके बाद एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, उसी तरीके से इन दोनों ने भी एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। मेल ने अपने स्कूल के बोर्ड को सारी सिचुएशन समझाई थी, पर इसमें उन्हें नहीं लगता कि मेल का कोई भी फॉल्ट है, तो इस वजह से उसे वो फायर नहीं करते। ली घर पर आई और सारे सामान को ठीक से रख देती है। अपने मदर के लिए उसने वेबसाइट वगैरह बना कर रखी थी। मदर को अच्छा लगा कि ली कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। ली अब घर में रह सकती थी। मैट के फ्यूनरल पर ली और मेल फिर से एक दूसरे से मिले। ली ने मेल को सॉरी कहा और मेल उसे माफ़ कर देती है। अब इसके बाद जेसन के जाने का दिन आ गया था। वो ली से मिलने के लिए आया। ली को अपने आर्टिकल के लिए जो $1,000 का चेक मिला था ये वो जेसन को दे देती है। उसने कहा कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, कभी भी अपने आप पर डाउट मत करना, अच्छे से मेहनत करना और लाइफ में तुम सक्सेस हो जाओगे। इसके बाद ली भी अपनी सिटी में फिर से वापस चली जाती है।
वो अपने काम में अच्छी थी, पर सिर्फ ब्रेकअप की वजह से ज़रा ब्रेक लेने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी, तो फिर से वो लौट जाती है। जेसन भी अपने टाउन में जाकर सही तरीके से सेटल हो गया था और ली के न्यूयॉर्क के एड्रेस पर वो लेटर लिखता है। इनकी रिलेशनशिप कैसी भी हो, फिर भी एक दूसरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने इंस्पायर किया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।